Assalamualaikum. Kya hal hai aap sabke? Kaise ho? Welcome to our YouTube channel. Sida Masan. Relax. तो भाई मैं आ जा रही हूँ और मैं जाने के लिए। हाँ जी। तो गाइस आज जो है हमने फाइनली प्लान किया है इसको पूरा गंजा करने का। तो क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और हमने जाना है, तो चलो चलते हैं निधा के पास, वो कर क्या रही है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो गाइस अभी जो है हम जा रहे हैं, तो निधा जो है बर्तन धो रही है। निधा कितनी देर लगेगी? और बस मुझे 5 मिनट्स चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह की शुक्र मैं भी ठीक हूँ। नमाज पढ़ ली आपने? नमाज मैंने कब की पढ़ चुका हूँ, जल्दी करो ना यार। बस हो गया सारा हो गया। गद्दे साहब रेडी हो? हाँ बस ये रेडी है। ये मैं भी रेडी हूँ और हमारी किटी भी रेडी है। किधर है वैसे? वो नजर नहीं आ रही मुझे, छुप गई होगी। खैर चलो चलते हैं, फिर अभी मिलते हैं आपसे। ठीक है, तो भाई डैडी और मुकद्दर जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और इसकी वालदा मोहतरमा जो हैं वो अभी तक रेडी हुई नहीं है। सुने हम किटी को लेके जा रहे हैं और आप क्यों रेडी हो रही हो? आईब्रो पे मशीनें कर रही है, यानी कि मशीनें लग रही हैं कपड़े धोने वाली। अब इस पर फिर कपड़े सूखेंगे, फिर उस पर टाइम लगेगा, धूप आ नहीं रही, रात हो गई है इसलिए। जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। आज फाइनली हमने सोचा है कि हम बिल्ली को गंजा करा देंगे, क्योंकि यहाँ स्टार्ट हो चुकी हैं थोड़ी सी गर्मियाँ। तो गर्मियों में बिल्लियाँ परेशान हो जाती हैं अपने ही बालों से। तो किटी से तो आप लोगों की बात हो ही चुकी थी ना, बस अब हम लोग निकलते हैं। आ जाओ जानी बेबी, ये हमारी जानी बेबी है। ये जानी बेबी नंबर 2 है और नंबर 1 जानी बेबी हमारी यहाँ तैयार हुई है। लेकिन ये डैडी ने कौन से टोपा पहना दिया इतना अनीसा सड़ावा। मैं इसको रेडी करती हूँ सही से, लड़कों को नहीं पता होता ना बच्चियों का। तो चलें फिर हम फाइनली जल्दी से कैट को इसके अंदर डालें और फटाफट निकलते हैं। और आज जो है ना, वैसे भी जब इसको कहीं नहीं जाना होता ना, ये ढीट हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो चलो चलो वहाँ पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। जी क्या हुआ मुकद्दस? ओ मेरी बेटी, ओ ओ ओ यस की किट, ओ मेरी बॉडी बेबी, आपकी किटी बंद कर दी बेटी ने। चलो कोई बात नहीं, क्लोज कर दी डैडी। चलो ऐसे ही तशद्दुद कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो चलो पहुंच गए हैं और ये आ रहे हैं अंदर। ये सारी कैट की चीजें हैं, उसका नेल कटर, ब्रश, यहाँ पे फूल और लेकेज। भाई यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रही है और मुकद्दस कह रही हूँ किटी इसको पहले इंजेक्शन लगेगा। किस चीज़ का इंजेक्शन लग रहा है? लगेगा इंजेक्शन ताकि थोड़ी काम डाउन हो जाए। अच्छा, ये बिल्लियाँ डरती हैं। नहीं नहीं, लो पाला बेबी। तो ये एक छोटा सा कोई इंजेक्शन है जिससे ये आराम से शेव करवा लेगी अपनी पैर। मेरा पेट जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कितनी देर में लगेगी? 5-10 मिनट लगेंगे।
पाँच दस मिनट के बाद ये थोड़ी सी सो जाएगी, है ना दीदी? एक और पैसा लगा रहे हैं। आपको परेशान हो गई घबराने के बाद ना, स्किन ऐसे नाक बहती है गिरी गिरी से घबराहट में हमेशा, बस परेशान नहीं हो। इंजेक्शन लगवा के यहाँ डर के छुप चुकी हैं, तो वो कह रहे हैं अभी 5 से 10 मिनट लगेंगे, ये वॉमिट करेगी और फिर सो जाएगी, तो उसके बाद फिर वो स्टार्ट करना है इसकी शेव। तो ये अभी डर के मारे इधर छुप के बैठ गई है। बाकी इन्होंने अभी नया क्लिनिक खोला है अपना, तो सारा सेटअप आप देखें यहाँ पे शॉप का, और अभी अंदर भी स्टार्ट हो गया है। मेरी बेटी यहाँ पे इतना खुश हो रही है, इसको ये सामान जो दिख रहा है सारा टॉयज वगैरह, ये भाई अभी हम किटी के बेहोश होने का वेट कर रहे हैं तो जैसे वो बेहोश होती है फिर उसको हम मशीन लगाएंगे। वो बेचैन हो रही है, स्टार्ट हो रहा है। ओ, मेरी प्यारी किटी की हेयर्स। देखें यहाँ पर ये भी आए हैं अपना कुछ इलाज करवाने। क्या नाम था इनका? लैरी। लैरी नाम है, लैरी लैरी भप्पी भप्पा लैरी सिंगर है ये, और ये पिज्ज़ा भी खाते हैं, ये सारी चीज़ें खा लेते हैं माशाल्लाह से। इधर तो देखो ज़रा, बोलो बेबी। तो भाई इसको भी ये लेकर आए, और इसे भी डर लग रहा है कि मेरे साथ क्या होगा। और ये हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं, और किटी अंदर है अभी तक हमारी, वापस आएगी तो फिर अजीब सी लग रही है, वैसे गंजी हो गई। यहाँ पे ये मेरी किटी हो गई है तकरीबन गंजू, अल्लाह इसकी तो आंखें खुली हुई हैं। एक मिनट बस, और ये इसके इससे हम बनाएंगे अहमद का स्वेटर अगली सर्दियों के लिए। तो अब इस किटी के एक स्प्रे हो रहा है, डायरेक्ट कौन सा स्प्रे कर रहे हैं अभी वो भी दिखाते हैं। ये वाला स्प्रे हो रहा है इनके, बेचारी होश में है वो लेकिन हिल नहीं पा रही है। कैसी सूखी लग रही है। चले तो बाकी हम आपको दिखाएंगे घर जाके। बाय बाय। तो चलो भाई अब हम जा रहे हैं, और हो गई हमारी बेचारी किटी 6-12 घंटे कह रहे हैं ना, कितने घंटे कह रहे हैं? 12 से 24 हो गया। हाँ तो अब इसके अंदर है, और अब इसका इलाज स्टार्ट होगा। चलो भाई इसका नाम है लैरी। बाय बाय लैरी। बाय बाय। तो अब हम आपसे मिलते हैं घर जाकर। घर जाके मैंने बनाया हुआ है सूप, तो वो पियेंगे। ये इसका फाइनल लुक है। हाँ ये जो इसकी जगह है ये ग्रे बालों वाली जगह है, तो इसकी स्किन भी यहाँ से ग्रे है, बाकी यहाँ से ये वाइट है सारी। और ये मेरी किटी की टेल है, और ये शूज़ पहने हुए हैंड्स हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये मासूम सा चेहरा, अभी भी थोड़ा सा इसका दवा का असर ख़त्म नहीं हुआ। तो ये है हमारी सूखी सी निकली अंदर से किटी, आधी ग्रे स्किन है ये, और ये वाइट है। तो ये है फाइनल लुक। बाय बाय। हम लोग यहाँ पर अब खा
गरम करेंगे सूप, क्योंकि मैंने जाने से पहले बनाया था सूप। अहमद और मुकद्दस बैठे हैं वहाँ पर, तो चूल्हा जला दूँ मैं। तो ये है दाल का सूप और गरम हो चुका है, और मैंने एक पे काली मिर्च डाली है, एक पे नहीं, तो अगर दूसरी पे ज़रूरत होगी, चाहिए होगा तो फिर डालेंगे, अभी नहीं, मुझे नहीं डालनी। अहमद के में मैंने डाल दिए हैं, और मुकद्दस भी पिएगी, इसकी भी नहीं डाली है इंशाल्लाह। तो कैसा लग रहा है आपको दाल का सूप? अहमद, दाल का सूप रखिए। तो भाई क्यों दाल का सूप? अब्बू भी तो बनवाते थे। हाँ वैसे मुझे अलग लाना चाहिए था। शक्ल तो सारी इसी बना रहे हैं। तो भाई अभी हम ये पीते हैं, पीने के बाद फिर हम आपसे तसल्ली से गुफ्तगू करके बाय बाय करते हैं। तो भाई फाइनली हम लोग सारे आज दिन ऐसे निकल गया, ये काम से आया, और उसके बाद हमें बिल्ली को ले जाना बहुत ज़रूरी था। सर में मेरे इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और भाई बिल्ली जो है अभी वो इंजेक्शन लगा हुआ है, उसको थोड़ा नींद का ना, वो सो रही है। उसका 10-9 तो जैसे ही बाहर आएगी हम आपको व्लॉग्स में उसको दिखाते रहेंगे उसकी लुक। तो गंदी लग रही है, अजीब सी लग रही है मुझे, है चिकनी चिकनी होगी ना बिल्कुल सूखी सी। नहीं चिकनी तो हो निकली है। नहीं नहीं चिकनी तो हो गई, मतलब उसका कलर ही, बॉडी का कलर ग्रे और वाइट है ना, तो जो ग्रे वाला साइड है ना उसकी स्किन का ग्रे साइड, वो अजीब सा लग रहा है, मैला मैला लग रहा है। क्या गिरा दिया इसने? पानी की बोतल। मुकद्दस बेबी, इसको भी नींद आ रही है, बस इसको भी सुलाऊंगी। और तो गाइज फिर मिलते हैं एक आपको अपने अच्छे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद करिए, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने नहीं दबाया तो आपको आने वाली नई वीडियो सुने वैसे चलेगा। हमने केटी का लास्ट लुक दिखाया भी है या दिखाया ही नहीं? दिखाया है ना। कब दिखाया है? जब उधर ड्रेसिंग कर रहे थे। लास्ट लुक तो नहीं दिखाया, मुझे तो याद ही नहीं, अब एडिटिंग करूंगी तो याद आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।